चेरी आ जाओ, देख रही है क्या ये? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल एक्चुअली हम लोगों ने बहुत अब्रप्ट एंडिंग कर दी व्लॉग की, और हमें लग रहा था कि अब सुबह ही बताएंगे आपको कि हुआ क्या है। जब मैं सामान अनपैक कर रही थी, ये तीनों खेल रहे थे, और अचानक से कोको के रोने की आवाज आई बहुत तेज। और जब हमने आके उसको देखा तो इसको फिट्स पड़ रहे थे, और कोको की जो एज है वो 17 है, और 17 साल एक डॉग के लिए बहुत ज्यादा एज होती है। और जब हमने इसको फिट्स में देखा ना, ये लिटरली इसकी बॉडी ने झटके मार रही थी, और साथ के साथ इसको पॉटी भी हो गई, सारे एकदम पीछे को हो गया, चढ़ गया, मुंह से झाग निकलने लग गया। और हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। हम लोगों ने लोनावला के डॉक्टर सारे छान मारे, हम लोग सिर्फ भागे हैं, फोन वगैरह यहीं पे रह गया, कैमरा यहीं पे रह गया, हम दोनों सिर्फ भागे हैं। यहां से मैं रोना शुरू करी हूं गाड़ी में। जो मेरे डॉक्टर्स हैं मुंबई में, उन्होंने बताया कि आप पनवेल लेके जाओ, जो कि मुंबई और लोनावला के बीच का रास्ता है। तो हम लोग ऑलरेडी इतनी ड्राइव करके आए थे, थके हुए थे, मुझे वापस जाना पड़ा। और जब हम लोग वापस गए हैं तो इतनी ज्यादा धुंध थी कि सामने भी कुछ नहीं दिख रहा था। अमिता को हमने यहीं पे छोड़ा, दोनों बच्चे कैंडी और चेरी को उसके पास छोड़ा, वहाँ पे किसी डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर ने इसका पूरा चेकअप किया, एक्सरे से लेके डॉक्टर ने बताया इसकी एज की वजह से इसको ये हुआ है, अल्जाइमर्स हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, इसके हाथ में पूरी सलाइन चढ़ी है, और तब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ, चलना शुरू हुआ, और अभी भी इसकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। पूरी रात हम सोए नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना था कि पूरी रात में इसके दोबारा कोई फिट्स तो नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ और तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये पूरी रात घर में घूमता रहा, बीच बीच में सोता रहा, घूमता रहा, सोता रहा। तो अराउंड मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब हम दोनों सोए हैं, और 9 बजे उठ गए। मैंने अभी डॉक्टर से बात करी है कि ही इज बेटर, और मुझे अगर हल्का सा भी लगता है कि थोड़ी भी और इसकी तबीयत खराब हुई तो हमें वापस जाना पड़ेगा, तो मैं मुंबई यहाँ से निकल लूंगी। बट अभी तक इसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, ही इज परफेक्टली फाइन, अच्छे से सोया, अच्छे से खाया, अच्छे से घूम रहा है, खाना वाना सब खाया अच्छे से, इसने पॉटी की है, सुसु किया है, सब कुछ इसका नॉर्मल चल रहा है, रूटीन। हाँ बच्चा, हाँ। तो हम अब आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। देखो मुंह खोल रहा है, थोड़ा बहुत नींद में है शायद अभी। हाँ। कोई इसका भी पेन होगा, जो सेलाइन वगैरह काफी देर तक चढ़ाई थी इसको। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको इसका मेमोरी लॉस हो रहा है, इसको दिखता नहीं है बिल्कुल। कल मुझे डॉक्टर ने बताया पार्ट विजन जो था वो भी चला गया है, अब इसको कुछ नहीं दिखता, ये सिर्फ अंदाजे से घर में चलता है, तो वो अंदाजे अब इसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और अगर ठीक लगेगा देन वी विल स्टे बैक, मेरा कुकर ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा। हमने क्या 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 उम्मीदें लगाई थी कोको के लिए, स्पेशली कि ये कराएंगे वो कराएंगे, छोटे वाले पूल में इसको डाल देंगे, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बट लेट्स सी अभी क्या करते हैं। नहीं, थोड़ा स्लो तो हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा, मेरे को लग रहा है जाएगा, नीचे जाएगा, थोड़ा सा गार्डन में लेके चलते हैं, बारिश शुरू हो रही है। आओ। गार्डन में भी देखना, कीचड़ मतलब होगा बहुत ज्यादा। कैंडी मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई, ये मेरे कोको को भी मजा तो आ रहा है, थोड़ी वीकनेस है बस। चेरिटी उसको सुसु कर रहा है, लेकिन ना उसको वो चुभ जा रहा है। कोको इज फाइन बेबी नाउ, वो देखो ना पत्ते कैसे खा रही है, वो देखो। अरे ये कुत्ता की बकरी है, कितनी घास खा रही है। बेटा तू घास खाने आई है यहाँ पे? कोको फास्ट फास्ट वॉक करेगा, शाबाश। कल जब हम इन लोगों को छोड़ के गए ना, तो पीछे से चेरी और कैंडी ने अमिता का जो खून पिया है ना, रो रो के कि ये लोग हमें छोड़ के कहाँ चले गए। बहुत रोई है ये, इनफैक्ट जब रात को भी आ गई ना, तो रात को मेरे भी पास बैठ के ये रोती ही रही है। कैंडी तो खासकर, कैंडी तो कांट लीव आउट। ऊपर से उनके लिए इतना अजीब हो गया ना कि हम अभी आए हैं, हम एंजॉय करना शुरू हो गए, मम्मी पापा कहाँ गायब हो गए गाड़ी लेके। और दूसरी चीज, हम लोग पहुंच रहे हैं, सोचो एक के बाद एक कैसी मुसीबत है, हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। तो जब तक कोको को सलाइन चढ़ी, तब तक अविनाश ने दूसरा टायर लगवाया, तो टायर एक पूरा ही उड़ गया, नई गाड़ी का टायर। बताओ कल का दिन एक्चुअली यार बहुत खराब था यार, भी बारिश शुरू हो गई। चलो इसको ले रही हूँ, वो तो आ जाएंगी दोनों। हाँ। चेरी जल्दी आ, कैंडी आ जा, इधर इधर कैंडी इधर, अरे उधर कहाँ गई कैंडी, इधर इधर आ कैंडी, इधर कैंडी, अरे यार कैंडी आ जा, इधर आ इधर आ, अरे रास्ता भूल गई है, चल उधर चल, रास्ता भूल गई, क्या हुआ, उधर चली गई थी चेरी, इधर ये सारे रास्ता कैसे भूल जा रहे हैं बेटा, यहाँ से थोड़ी कूद जाएगी, ये रही मैं, इधर आ चेरी, चलो 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 इधर से जाना है, दिमाग कम हो गया तुम्हारा सबका यहाँ आते ही, इधर चलो अंदर चलो। अरे खाना हमारा रेडी हो चुका है, बड़े से पतीले में बने हैं खूब सारे चावल,
आलू और गोभी की भाजी है तरी वाली, ठीक है डाल दूं ऊपर ही डाल दूं? हाँ। संभावना खाना खा के सो गई, मैं अभी तक जगा हुआ हूँ, काम कर रहा था अपना और अब सबकी नींद खुल गई। चेरी ने अपना खेलना शुरू कर दिया, एक्चुअली उसको यहाँ ना अपने टाइम का समझ में नहीं आ रहा है, उसको 4 बजे लग रहा है मेरे खेलने का टाइम। बॉल ढूंढवाई है उसने सबसे, दे दे बेटा बॉल तो दे दे। अरे अरे अरे, और इधर कोको को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, घुमाया इधर उधर तो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहा है वो, बट कंटिन्यूसली वॉक कर रहा है। ऑल ओके कोको। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और संभावना तो अभी तक उठी नहीं है और मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है पूल में जाने का, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में पूल में नहाने का मज़ा ही अलग है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं रेडी हो जाऊँ पूल के लिए, उसके बाद संभावना को उठाता हूँ, अगर उठती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले चला जाऊँगा। तो जी संभावना उठ गई है, मैं भी रेडी हो गया हूँ, बेबी को वड़ा पाव खिला देता हूँ। बेबी वड़ा पाव खाओगी गरम गरम लोनावला का एकदम, बारिश में तड़ातड़ पड़पड़ भड़बड़। बहुत मारूंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्यों क्यों जानोगे? ओ बेबी क्या खुशबू थी। ओ दे डोंट डू दिस बेबी, दिस ये देखिए तो पाप है पता है। तो खाली चाट के छोड़ दो। बदतमीज है, शामू मार दूंगी इसको, कमीने तूने कहा है ना उसको करने को। और मैं रेडी हो गया एवेंजर्स के कपड़ों में और संभावना जानबूझ के लेट कर रही कि मुझे पूल में ज्यादा ठंड लगे, लेकिन फिर मैं भी गोरखपुर का हूं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। भाई मैं नहीं जा पाऊंगा लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कर दो, मुझे बारिश में पूल में नहाना है और शाम होती जा रही है ठंड बढ़ती जा रही है। ये कपड़े तुमने मछली वालों की तरफ क्यों पहने हुए हैं? मछली पकड़ने जा रहे हो? क्योंकि पेट बढ़ गया ना इसलिए, ऊपर से छुपाने के लिए। चेरी को साथ में घुसा दो के अंदर, आज ले लो, आज इसको अंदर कर दो। ठीक है ठीक है, उसको बच्चों वाले में ले लूंगा। पूल में कहाँ से जाना है, मतलब ऊपर से नीचे से? चेरो आ जा बेटा, चेरी आ जाओ, आ जा आ जा आ जा। देख रही है क्या ये? बेबी कूद गई वो पूल में। चेरो पगला बच्चा, शॉक लगा है, अरे सीधा ही पूल में गिर गई। मैं जाऊं बेबी? हाँ जाओ जाओ। ओह क्या बात कर, बहुत ठंडा है। ओहो चेरी। उसको क्यों बुला रहे हो? एक गरम बंदा साथ में रहेगा। मदद हो जाएगी ना। चेरू आ जा, चेरू आ जा जल्दी से। बेबी वो कूदते ही पहली बार गई है वो पानी में, और मेरी बेबी का गोबरो आ गया है। गोबरो गोबर हम पानी में मिलाएंगे। ओ माय गॉड बहुत ठंडा है, जाओ ना पाए पानी में। अरे 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 चेरू जानो, इसको भेजना अमिता, भेजना इसको, भेज दे पकड़ के इधर वाले में, भैया भैया के पास छोड़ दे, भैया के पास छोड़ दे। ओह दिस इज सो क्यूट बेबी, इसको उसको कराओ ना स्विमिंग, वो करेगी तुम्हारे साथ। इधर को लाओ इसको, इधर को लाओ। अरे यार कैंडी, कैन देखो चेरू दीदी आई है। डरना नहीं है, मैं हूँ। बेबी दोनों कूद गई यार। डरना नहीं है, इसको तैरवाओ ना। नहीं नहीं तैरवाओ ना यार इसको। दोनों को बाहर आ, दोनों बंदर आओ, चलो छोटे वाले में चलो। तू कोको को लेके बैठ, इधर बैठ। छोड़ो आई लव यू बेबी, आई लव यू ला बच्चा। ओ देखो चेरी को देखो, डरना थोड़ी है कैंडू, दे आर बॉर्न स्विमर्स यार डॉग्स। चलो चलो तेरी तेरी करो थोड़ा सा। दिस इज सो क्यूट चेरू, कम, वेरी गुड। अरे बाप रे, साथ में कर रही है। चेरू इज एंजॉयिंग। यो चेरू बाबा, ओ बाबा रे, अरे बाबा रे मेरी चेरू। क्या इधर इधर अरे बाबा इधर देखो, डरना नहीं है, तो इधर देखो। फटी पड़ी है, कैसी हालत हो गई तुम्हारी हैं? अब इसको जरा कराओ, कैंडू करना है, यहाँ से जाएंगे अपन। कम कम उल्ली मिला कैंडू, आले मिला कैंडू, आले मिला कैंडू। चेरी को ना दोबारा जाना है पूल में, मैं बता रही हूँ, इसको मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अरे यार एक बात बताओ, ये कुत्तों को बचपन से तैरना आता है, मैं इतना बड़ा होके भी नहीं तैर पा रहा। बेबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुमसे आगे थी। वो देखो गई है, गई है, गई है। सेंडूर को आप इसको टावल में लपेटो भाई। नहीं नहीं कुछ टावल में लपेटना। चेरू आजा, भाग रही है चेरू, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो पकड़ो चेरू को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा आजा आजा चेरू, चेरू एक काम, भागेगी तो चल इधर। बेबी चेरू और तुम्हारा कॉम्पिटिशन पहले, 1 2 चेरू थोड़ा सा स्लो है, थक गया। अभी तेरी बारी है, तू कहाँ भाग रही है? उसका हार्ट बीट दोनों का बड़ा, कुछ नहीं है बेबी, इनको बहुत मजा आता है पूल में, डॉग्स ऑलवेज लव पूल। कैंडी मैं आपको पकड़ के रखूंगा, कुछ नहीं होगा, आ जाऊं। जा जा आओ, मैं आपको पकड़ के रखूंगा बेटा, डरना नहीं, छोटे वाले में चलेंगे, छोटे वाले। दिस इज वेरी क्यूट, भाग जा भाग जा। अब मेरा कुकु अलार्म जो बहता है यहाँ पे, मेरा बच्चा। Oh,
चेरू आओ वापस चलेंगे। वो देखो दूसरी वाली भी आ गई है। केंडू आओ। जाओ केंडू। पकड़ में आ गया पकड़ा। आदमी पे भेड़। आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, उनको आदत नहीं है, वो घर के हैं, जंगली कुत्ते थोड़ी है वो। तुम अपनी बात बताओ ना। चलो लेट्स गो फॉर इट। चा 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 जी सो एक्साइटेड अविनाश, वो रो रही है। कल करेंगे चेरू, कल करेंगे। चलो बस हो गया और नहीं। आई बड़ी, वो देखो 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 आई है तुम्हारे पास की। चलो एक और कर लेते हैं। तो मैं नहा चुका हूँ, कपड़े उपड़े चेंज कर लिए मैंने, और मैं आपको दिखा देता हूँ चेरी ने मेरे चेस्ट पे क्या निशान मारेंगे। देखो ये देखो पूरा लाल कर दिया मार मार के। और अब जो है सबका खाना रेडी हो चुका है। कोको अपना खाना खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, तुम्हारे हाथ से खा रहा है ना जल्दी। कैंडू जो है खाना नहीं खा रहा है। क्यों भाई, इतना नहा नहा के स्विमिंग करके भूख नहीं लगी? और तू इतनी फुर्तीली कैसे हो गई पानी में जाती है? तो अब हो गई है रात और ग्रिलर जल चुका है हमारा इधर। देखो बढ़िया वाला शुरू हो गई है तैयारी। और इधर संभावना जो है कंबल वम्बल लेके, क्योंकि टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है ना। ठंड बहुत ज्यादा है और कोको बैठ नहीं रहा है, तो मेरे को इसको थोड़ा पास में लेके बैठना भी जरूरी है ना, इसलिए मैं बैठी हूँ मेरे बच्चे को लेके। लेकिन हाँ ठीक है। ये वो दोनों कहाँ गई? वो मछलियाँ। ये इधर आओ। अरे अरे जलपरी बहुत तेज दौड़ी आज। दूसरी वो गायब है, खाना ढूंढ रही होगी। पूरे घर में चेरी को मैंने ढूंढा, देखो मिली कहाँ है। ओए ओए मछली जल की रानी है बाहर, कहाँ छुप के बैठी है? थक गई है क्या चेरी? ये कौन सी जगह बेटा? नहीं अभी कुछ खाने को मिलेगा तो आएगी ना, निकलेगी बाहर। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अब हो रही है थोड़ी थोड़ी सोने की तैयारी। संभावना ने कोको को नींद की दवाई देके थोड़ा सा सुला दिया है, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था कल ठीक से। अरे भाई ये बोलो डॉक्टर ने दी है, कहो मैंने नींद की दवाई दी है। खिलाई तो तुमने ही है ना, वही तो सबसे बड़ा टास्क है। हाँ ये सोया नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी ये शायद सो जाए रात को तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि रात भर इसके कारण हम लोग भी नहीं सोए हैं। तो आराम से अब कल मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और ये इसके पीछे पीछे लग के क्यों सोई है? वो अभी तंग करेगी ना हमें, वो अभी शुरू करेगी। ये इसको तंग क्यों कर रही है? डॉक्टर ने बोला है अपने बाकी डॉग्स को दूर रखना, तंग ना करें। वो उसको छोड़ ही नहीं रही, कोई मालूम है ना, तब ठीक नहीं है उसको। बट वैसे तो कोको ठीक है, इट इज ओनली ज्यादा चला है बहुत आज।